क्वेश्चन दे रखा है, देयर इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एज शोन इन द फिगर, टू स्लैब्स आर इंसर्टेड इनसाइड इट, फाइंड पोटेंशियल ऑफ वॉल सिस्टम एंड फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल और कैपेसिटेंस इसका निकालना है। तो पोटेंशियल हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यू डी डिवाइड बाय में ए एप्सिलॉन नॉट के इस क्वेश्चन के लिए, प्लस क्यू डी डिवाइड बाय में ए एप्सिलॉन नॉट इस पोर्शन के लिए, एंड प्लस क्यू डी डिवाइड बाय में ए एप्सिलॉन नॉट के हमारे पास इस पोर्शन के लिए। तो डेल्टा वी हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यू हमारे पास है 100, डी हमारे पास इसके लिए क्या हो जाएगा 3 × 10⁻², डिवाइड बाय में एरिया इसमें दे रखा है, हमें एरिया दे रखा है, हंड्रेड मीटर स्क्वेयर हमें क्या दे रखा है, एरिया, एरिया क्या दे रखा है 100 मीटर स्क्वेयर। तो 100 × ε₀ और k कितना है 3, प्लस q हमारे पास 100 × d हमारे पास 4 × 10⁻², डिवाइड बाय में एरिया 100 एंड ε₀, प्लस q 100 × d हमारे पास 3 × 10⁻², डिवाइड बाय में एरिया 100 ε₀, k हमें दे रखा है 6। ओके तो ये 100 से 100 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया, डेल्टा भी इक्वल टू आ जाएगा 10⁻², डिवाइड बाय में ε₀, प्लस 100 से 100 कैंसिल, क्या बच गया 4 × 10⁻², डिवाइड बाय में ε₀, प्लस 100 से 100 कैंसिल ये 2, तो ये क्या बच गया 10⁻², डिवाइड बाय में 2 ε₀, ये बच गया हमारे पास। तो हम इसमें एलसीएम ले लेंगे, 2 ε₀ हमारे पास क्या आ जाएगा एलसीएम, तो ये क्या देगा 10⁻², सॉरी 2 × 10⁻², प्लस 8 × 10⁻², प्लस 10 × 10⁻². तो इसको ऐड करेंगे तो 8, 9, 10 और 11 × 10⁻², डिवाइड बाय में क्या आ गया 2 ε₀, तो ये क्या आ गया हमारे पास 11 × 10⁻². हमारे पास क्या आ गया ε₀, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 11 / 200 ε₀, इसको हम नीचे ला सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ गया पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब हमें पता है कैपेसिटेंस क्या होता है हमारे पास, कैपेसिटेंस अगर हम निकालें तो ये होता है क्यू बाय में वी, सी इक्वल टू क्या होता है हमारे पास क्यू बाय में वी, तो क्यू डिवाइड बाय में क्यू हमारे पास कितना है 100 और v हमारे पास क्या है 11 / 200 ε₀, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 20,000 ε₀ डिवाइड बाय में 11, क्या आ गया हमारे पास 20,000 ε₀ डिवाइड बाय में 11 हमारे पास क्या आ गया कैपेसिटेंस। दिस इज द आंसर फॉर कैपेसिटेंस।